वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम आप लोगों के डिमांड के अनुसार ये थर्मोनिक्स का वीडियो लेक्चर तैयार कर किए हैं, जो आधारित है वेरियस नेचर ऑफ वर्क एंड हीट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क एंड यूनिट्स एंड सम बेसिक यूनिट्स ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो आधारित होगा नेचर ऑफ वर्क एंड हीट पर। तो जैसा कि हम सभी को जानते हैं कि जब कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसके साथ साथ एनर्जी में परिवर्तन होता है। ये एनर्जी में जो परिवर्तन होता है वो दिखाई दे सकता है आप लोगों को किस फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में दिखाई सकता है, वर्क के फॉर्म में दिखाई सकता है, या लाइट एनर्जी एक्सेट्रा के फॉर्म में दिखाई दे सकता है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है आप लोग जानते होंगे, नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है एनर्जी का यूनिट? होता है जूल। जूल क्या है? जूल को हम लोग डिफाइन करते हैं जब 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर तक, उस समय जितना वर्क करना पड़ता है उस वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो जूल को हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो जूल, 1 जूल इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सो 1 जूल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। जेम्स जूल 1802 ईस्वी में, सॉरी 1850 ईस्वी में ये रिलेशनशिप दिखाया कि हीट जो प्रोड्यूस हुआ एच और मैकेनिकल वर्क डब्ल्यू के बीच में एक संबंध को दिखाया। उसके अनुसार क्या था? डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, मैकेनिकल वर्क डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एच होता है। वे डब्ल्यू क्या है? मैकेनिकल वर्क डन है और एच क्या है? हीट प्रोड्यूस्ड है। इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? जे इंटू एच, वेयर जे को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी जे हुआ उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कितना होता है? 4.184 जूल। और इस तरह से हम लोग कहते हैं कि एनर्जी जो खर्च हुआ 4.184 जूल वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हुआ, और 1 कैलोरी ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या होगा? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। हीट को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? हीट को हम लोग जूल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है ये क्लियरली दिखाता है कि जब कभी भी वन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क एनर्जी को बताता है, बल्कि वह मैकेनिकल वर्क को बताता है, इलेक्ट्रिकल वर्क को बताता है, ग्रेविटेशनल वर्क को बताता है, एंड केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा को भी बताता है। एनर्जी जो है दो फैक्टर्स से बना होता है,
एनर्जी इज जनरली कंपोज ऑफ टू फैक्टर्स. द फर्स्ट इज द इंटेंसिटी फैक्टर एंड सेकेंड इज द कैपेसिटी फैक्टर. द इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर के प्रोडक्ट को हम लोग क्या प्रोडक्ट जो होता है वो एनर्जी देता है. सो हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर को प्रोडक्ट जो है क्या देता है, एनर्जी देता है. काइंड्स ऑफ एनर्जी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो क्या है, पहला है हीट एनर्जी. हीट एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, ये हीट एनर्जी जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी फैक्टर, एंड हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग कहेंगे कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द सिस्टम कंसर्न. दैट इज हीट एनर्जी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज इंटेंसिटी फैक्टर, एंड हीट कैपेसिटी दैट इज कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द सिस्टम कंसर्न. हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी इनटू राइज इन टेम्परेचर. और हीट एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, तो क्यू इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू राइज इन टेम्परेचर. कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू राइज इन टेम्परेचर. सो क्यू इज इक्वल टू मास इन केजी, स्पेसिफिक हीट इज इन जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, एंड राइज इन टेम्परेचर इज केल्विन. सो क्यू इज इक्वल टू केजी इंटू जे इंटू पर किलोग्राम इंटू पर केल्विन इंटू केल्विन, एंड दिस गिव्स पर केजी एंड केजी कैंसिल आउट, पर केल्विन एंड केल्विन कैंसिल आउट, सो वी गेट्स जे जूल. सो क्यू इज इक्वल टू जे. वाटर हैज हाइएस्ट हीट कैपेसिटी एंड इट्स वैल्यू इज 4.184 जूल पर ग्राम. दैट इज 4.184 जूल पर ग्राम और 4.184 किलो जूल पर केजी. यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, अर्क्स पर ग्राम होता है. और एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल पर ग्राम और किलो जूल पर केजी. इफ ए सिस्टम ऑफ मास एम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एस इज हीटेड थ्रू डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, then the heat energy absorbed is given by the relation Q is equal to m into delta s into delta t, or Q is equal to क्या हो जाएगा, m into s into delta t. heat energy that is Q is equal to m into s into delta t, where m is the mass, s is the specific heat, and delta t is the temperature. Unit of heat, what is the unit of heat? Commonly used unit of heat is calorie. What is calorie? One calorie is defined as quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram mole of water or 1 gram mole of substance through 1 degree Celsius. The SI unit of heat is joule. 1 joule is equal to 0.2390 calorie. 1 joule is equal to 0.2390 calorie. And 1 calorie is equal to 4.184 joule. Sign convention of heat.
What is the sign convention of heat? If Q is positive, that is positive sign of Q, that is plus Q, this implies that heat is absorbed by the system from the surrounding. It means surrounding से system heat absorb करता है, तब हम लोग heat के पहले positive sign लगाते हैं, that is plus Q, means heat is absorbed by the system from the surroundings. And negative sign of Q, that is Q negative or minus Q, this implies that heat is released by the system to the surroundings, or heat is lost from the system and this energy is transferred to the surrounding. And next is electrical work. Electrical work. You know, heating effect of current. Effect of current. आप लोग नीचे क्लास में या प्लस टू में पढ़े होंगे heating effect of current in physics. What is the heating effect of current in physics? Q is equal to heat developed in the conductor. Q is equal to heat developed on the conductor. And this is equal to capital I square RT. Capital I square RT. Capital I square RT. Heat developed on the conductor. Heat developed on the conductor, is equal to I square RT. R IR into IT. Electrical work done or heat developed on a conductor is equal to I square R into T. Or this may be written as IR into IT, and IR, since V by I is equal to R, so we can write V is equal to IR. So this is replaced by V and IT. So V is in volt, I in ampere, and T in second. So volt, ampere, second, and this gives the value of joule. So Q is equal to volt into ampere into second is equal to BIT, and this is equal to joule. So heat developed on the conductor is equal to I square RT, and this is known as heating effect of current on the conductor. Heating effect of current on the conductor. So when a current of 1 ampere flows in an electric circuit for a given interval of time t second, then the electrical energy produced in obtained by product of potential difference V causing the current to flow and the quantity of electricity Q that flows for the interval of time. That is capacity factor. If V is measured in volt and Q is measured in coulomb, then the product of the two gives the electrical energy or electrical work in volt, coulomb or in joule. So electrical work is equal to, electrical work is equal to volt into coulomb, V into Q, volt into coulomb, V into Q, or this is equal to joule, this is equal to joule.
एंड वी नो दैट आई इज इक्वल टू सिंस आई करेंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी और दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी सो दिस विल बी इक्वल टू बी इंटू आई इंटू टी इक्वल टू बी आई टी दिस इज द इलेक्ट्रिकल वर्क एंड दिस बिकम्स इक्वल टू जूल दिस इज द इलेक्ट्रिकल वर्क एंड नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल वर्क जैसा कि आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे या देखे होंगे हाई स्कूल लेवल में जैसे कोई व्यक्ति है कोई सामान को जमीन में रखा हुआ है उसको उठाता है फिर रखता है उठाता है फिर रखता है तो जब कोई व्यक्ति किसी बॉडी को जमीन से एज हाइट तक उठा के लाता है उस समय उसको ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है ये ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट में जो काम करना पड़ता है वो कितना काम करेगा वर्क डन कितना करेगा ग्रेविटेशनल पुल इनटू हाइट अगर एज हाइट तक हम लोग उस बॉडी को अपलिफ्ट करते हैं ऊपर की ओर लाते हैं मीटर तक एट मीटर तक तो उस केस में वर्क डन कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल पुल कितना लग रहा है उस बॉडी पर मास इनटू जी के बराबर एम जी के बराबर एम क्या है मास ऑफ द बॉडी और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एम जी क्या हो गया ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी होगा और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल वर्क होगा सो ग्रेविटेशनल वर्क को अगर हम लोग डिनोट करें किस तरह से ग्रेविटेशनल वर्क को अगर हम लोग डिनोट करें ग्रेविटेशनल वर्क वर्क इसको हम लोग डब्ल्यू जी से डिनोट करें तो दिस विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी इनटू हाइट हाइट ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी किसके बराबर होगा एम इनटू जी के बराबर होगा और हाइट कितना है एच मीटर है तो एम जी एच इक्वल टू क्या होगा एम जी एच होगा तो ग्रेविटेशनल वर्क इक्वल टू एम जी एच होगा और दिस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन एम जी एच एंड दिस एनर्जी इज पोजेड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सो एंड मास यूनिट ऑफ मास क्या होता है तो यूनिट ऑफ मास क्या होता है केजी एंड जी का क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केजी इंटू एक्सेलरेशन जी क्या है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको क्या यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एच इज इन मीटर सो व्हाट विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जूल वन जूल सो व्हेन ए बॉडी ऑफ मास एम इज मूव्ड अपवर्ड थ्रू ए हाइट ऑफ एच द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द इंटेंसिटी फैक्टर एम जी विद द कैपेसिटी फैक्टर हाइट एच द वर्क डन और वर्क पोटेंशियल इज एम जी एच एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वर्क रिलीज व्हेन द बॉडी फॉल्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन अगर इस बॉडी को फिर हम लोग ऊपर से नीचे गिरा दें तो क्या होगा ये एनर्जी रिलीज हो जाएगा अब कुछ प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स फॉर 1 मिनट
इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क डन को अगर हम लोग डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? ईडब्ल्यू से। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? आईटी क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन व्हेन 1.5 एम्पियर करंट फ्लोस अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स फॉर 1 मिनट। इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू क्या होता है? वीआईटी। और वी इक्वल टू कितना है? 220 वोल्ट्स इंटू आई कितना है? 1.5 एम्पियर इंटू टाइम कितना है? फॉर 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो दिस विल बी इक्वल टू 1.5 × 6 = 90, 9 × 18, 9 × 18 = 19, 198 joules. So this amount of electrical work done is done. 2 to 1 9 8 0 0 joules. Next question is, calculate the amount of heat absorbed when 10 gram of water is heated through 1 Kelvin. Question is, calculate the amount of heat absorbed when 10 kg of water is heated through 1 Kelvin. Solution: amount of heat required is equal to heat capacity of water into rise in temperature. Heat capacity of water is equal to mass of water into specific heat into rise in temperature. So mass of water is 10 kg and specific heat of water is 4.184 kilojoule per kilogram per Kelvin, and this will be equal to 10 kg into 1.184 kilojoule per kilogram per Kelvin into K Kelvin. Here kg and per kg cancel out, Kelvin and per Kelvin cancel out, so J remains. तो किलो जूल, सो 41.84 किलो जूल, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द 10 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन पुशेस ए बॉडी थ्रू 4.184 मीटर. Mechanical work is equal to force into distance, and this will be equal to force is 5 newton and distance is 4.184 meter. So the product of these two gives 20.92 newton meter is equal to 20.92 joule. Newton meter is joule, so 20.92 joule. And one more question is, calculate the amount of work done when a body of mass 10 kg is hoisted to a body to a height of 3 meter. So gravitational work, Wg is equal to mgh, m is 10 kg and g is 9.8 meter per second square. And h is 3 meter. So the product of these three gives 294 kg meter square per second square. And this will be equal to 29.
तो दिस इज द ग्रेविटेशनल वर्क डन. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस सम यूनिट्स एंड बेसिक यूनिट्स ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर. व्हाट इज वर्क? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो वर्क इज इक्वल टू Work is equal to force into distance and force is equal to mass into acceleration into distance. तो mass is m, acceleration is into distance, और SI unit of work is joule. जूल एंड मास इज न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस. तो न्यूटन मीटर एंड वन न्यूटन स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस इज एम. तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वन जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस सिस्टम 1 जूल टू 10 टू 7 आवर्स एंड 4.184 जूल टू 1 कैलोरी. तो कैलोरीज कॉमनली यूज यूनिट ऑफ हीट. 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 1 डिग्री सेल्सियस. दैट इज फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. बिगर यूनिट ऑफ हीट इज किलो कैलोरी. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी. व्हाट इज पावर? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम और वर्क एकम्प्लिश्ड बाय टाइम टेकन. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? 1 वाट इज इक्वल टू 1 W and this is equal to 1 joule per second to 1 kilogram meter square per second square by second. This will be equal to 1 kilogram meter square per second per s per power minus 3. So this is the unit of power. तो इस प्रकार हम इस लेक्चर को और यहीं पर ख़त्म करते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ लाभान्वित होंगे और अगर आप लोग लाभान्वित होंगे तो शेयर कीजिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो दूसरे लोग से शेयर कीजिएगा. अच्छा नहीं लगेगा तो बताइएगा, हम फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे.